सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन, यू विल रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन। आज हम बनाएंगे रसमलाई केक जन्माष्टमी स्पेशल। इसके लिए हमें चाहिए विप क्रीम, केक बेस, रसमलाई, मिल्क मसाला पाउडर। सबसे पहले हम लेंगे एक केक बेस, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बहुत ही केयरफुली। इसकी जो केक बेस की रेसिपी है वो मेरे चैनल पे है, मैं इसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। हमने इसे तीन पार्ट में डिवाइड करके फर्स्ट पार्ट पे हमें इसे लगाना है विप्ड क्रीम। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। मिल्क मसाला पाउडर में हम 3 चम्मच दूध मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारे जो क्रीम है उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर हम लेंगे रसमलाई, रसगुल्ले का रस निकालेंगे और हमारे केक के ऊपर रखेंगे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए, बहुत ही केयरफुली करें। अब हम इसके ऊपर हमारा लगाएंगे एक और बेस और इसको हम हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे रसमलाई का रस। हमें इसे नीचे वाले बेस पे नहीं डालना है और इसके ऊपर हम हमारी विप्ड क्रीम जो है वो अच्छे से स्प्रेड करेंगे। वापस मिल्क पाउडर जो है हमारा मिल्क मसाला पाउडर वो स्प्रेड करेंगे और हमारे रसमलाई के जो पीसेस हैं वो रखेंगे। आपको इन्हें सेंटर में ही रखना है, कॉर्नर्स में नहीं रखना है और इसके ऊपर हम वापस से विप क्रीम से इन्हें कवर करेंगे और हमारा एक और बेस इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम अच्छे से विप क्रीम लगाएंगे। हम एक सिंगल कोट विप क्रीम के करने के बाद इसको फ्रीज़र में रखेंगे 20 से 30 मिनट्स के लिए, जिससे ये हमारा सेट हो जाए। तो हम इसके ऊपर जब एक और कोट करेंगे तो वो बहुत ही स्मूथ कोट आएगा। एक बार आप इसे अच्छे से कोट कर लें। और इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में रखने के बाद 30 मिनट्स बाद हम इसके ऊपर वापस से एक और कोट करेंगे हमारे विप क्रीम की। बहुत ही अच्छे से करना है और इसे एकदम पूरी तरह कवर करना है। इसके ऊपर हम थोड़े से पिस्ता और बादाम कटिंग डालेंगे, अच्छे से आप इसे डालें और साइडों में भी इसके कटिंग्स लगाएं। इसके ऊपर रसमलाई के पीसेस रखने के बाद इसे वापस 30 मिनट के लिए आपको फ्रीज़र में रखना है। 30 मिनट बाद में जो हम इसकी है डेकोरेशन करेंगे, डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और अगर मैंने की है आप वैसी करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने किया आप उस हिसाब से कर ले। जो हमारा रसमलाई का केक है वो बन के रेडी है, आप देख सकते हैं मैंने इस पर थोड़ी सी और डेकोरेशंस की है। आप अगर सेम इस तरीके से करना चाहें तो आप प्लीज़ करें और देखिए कितना सॉफ्ट केक बना और ये बहुत ही टेस्टी केक है। आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए और अपने व्यूज शेयर कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ ट्राई इट, ये बहुत टेस्टी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।